गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो जो अपना नींबू है इसके अंदर काफी सारा रस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों नींबू एकदम गोल आकार और एकदम सेफ है। और आज हम इसके अंदर दोस्तों रस निकालने वाले, देखेंगे कि इसकी चटनी कितने वजन पर बनने वाली, क्योंकि दोस्तों जब ये गोल है और इसके अंदर रस भरा हुआ है तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो यहाँ पर हमने कितनी सारी अपनी ईंटों पर बैठे हुए और कुछ ईंटें यहाँ पर भी रखी हुई है दोस्तों, जो कि आज हम सारी की सारी ईंटें इनके ऊपर रखने वाले हैं और फिर देखेंगे जो अपने नींबू है इनका क्या हाल होता है, ये बचते हैं या फिर ये इसके अंदर का रस बाहर निकलने वाला है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो अपने नींबू को कुछ इस प्रकार से रख लिया और अब बारी आती है इनके ऊपर वेट गिरने की। तो यहाँ पर देखिए जो अपनी ईंट है 2.5 किलो की है और यहाँ पर जो अपनी 2.5 किलो की ईंट को देखो कितनी प्यार से इसने झेल लिया, क्योंकि दोस्तों ये गोल है तो ये आगे को बढ़ रहा है इसलिए हमें पकड़ना पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दो ईंटों को रख दिया और तिर गया इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और ये 3 ईंटें यानी 7.5 किलो वजन हो चुका है फिलहाल। और यहाँ पर दोस्तों ये भग रही है और तिर गई, भग रही है थोड़ी सी, हमें साइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये 4 ईंटें आ चुकी है क्योंकि गोल है दोस्तों की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो चुकी है ये 5 ईंट और अभी तक इसके अंदर कुछ भी हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया। तो 6 ईंट हो चुकी है अपने और ये 7 ईंट हो चुकी है अभी तक, ये गोल का गोल ही है और ये 8 और ये 9। तो दोस्तों यहां पर अभी हमें नींबू में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया, शायद एक नींबू हमारा साइड से दब चुका है ज्यादा, मगर दूसरे का भी नहीं है क्योंकि दूसरा की साइड बाहर है। तो यहाँ पर देखिए हम सारी की सारी ईंट रखते जा रहे हैं मगर जो अपना नींबू है हमें अभी गोल का गोल दिख रहा है। और तेरी की दोस्तों यानी कितना सारा हमने इसके ऊपर रख लिया है, देखिए दोस्तों कितनी लंबी चौड़ी लाइन बन चुकी है और जो अपनी ईंटें हैं ये भी खत्म होने वाली है, देखिए दोस्तों। और तेरी की तो यहां पर देखिए दोस्तों जो हमने कितने सारी रख लिए, और तेरी की तो यहां पर जो अपना यहां पर दोस्तों नींबू के अंदर से रस निकल चुका है, देखिए और तेरी की यानी जो पूरी तरह नहीं निकला है मगर दोस्तों इसने हमारी सारी की सारी ईंटें जो ना वेट झेल लिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें से हल्का सा रस निकला है, ऐसे नहीं निकला जैसे कि किचक गया और ये वाला तो बिल्कुल ही सेफ। तो दोस्तों देखा जो अपने नींबू थे तो यहाँ पर जो अपनी ईंटे है पूरी पूरी की पूरी 15 ईंटे थे और दोस्तों जो है बात की जाए नींबू छोटे छोटे से नींबू थे और इसने हमारा 37.5 किलो वेट झेल लिया दोस्तों, क्योंकि जो अपना एक नींबू है इसके ऊपर ज्यादा लोड की वजह से इसके अंदर से थोड़ा सा रस निकला है। और जो अब देखिए दोस्तों हम बीच रहे हैं तो इसमें कुछ निकल भी नहीं रहा, और देखिए अब निकल रहा है देखिए दोस्तों, क्योंकि फट चुका है वाला नींबू, यानी जो इन्होंने फिर भी अच्छा खासा सा वेट झेल लिया। तो यानी और जो आपको हमारी जरा सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।